आइए तशरीफ रखिए। हाफिज साहब कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें। हाफिज साहब आज आपके तुलबा नजर नहीं आ रहे, यहाँ करीबी मैदान में खेल रहे होंगे। अच्छा जनाब, मैं जरा बच्चों की खबर लूं। इधर लो बल्ला, तो मेरी बारी है। नहीं मेरी बारी है। मैं नहीं दे रहा, मेरी बारी है। मुझे बल्ला दो, मेरी बारी है। बल्ला मुझे दो, मेरी बारी है। मैं नहीं दे रहा, मेरी बल्ला दो, मेरी बारी है। की मक्खियों के छत्ते पर जा लगा है। भागो, मक्खियों ने हमला कर दिया है। भागो भागो भागो, मक्खियों ने हमला कर दिया। अरे भागो। हाफिज साहब, शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया और सबको काटा। आप बच्चों ने मक्खियों को जरूर सताया होगा। दरहकीकत मक्खियों ने अपनी हिफाजत की है। चलो आओ, मैं आपको शहद की मक्खियों के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे मिलजुल कर रहे और दुश्मन से कैसे मिलकर अपना बचाव करती है। क्या आपको मालूम है छत्ते में कितनी किस्म की मक्खियां होती हैं? एक छत्ते में 3 किस्म की मक्खियां पाई जाती हैं। अव्वल मलका, दोम कारकुन और सोयम निखट्टू। ये सब इकट्ठी मिलजुल कर एक छत्ते में रहती हैं, अपना अपना काम सर अंजाम देती हैं। हाफिज साहब, ये क्या काम करती हैं? बेटे, ये शहद बनाती हैं। शहद जिसे अरबी में असल कहते हैं, बहुत मीठा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बेहद शिफा रखी है। शहद बजाते खुद दवा है और फिर ये बेशुमार दूसरी अद्वियात के बनाने में भी काम आता है, जिनसे बहुत से मरीज सेहतयाब होते हैं। बड़े काम की और बड़ी मुत्तहिद होती है ये शहद की मक्खियाँ। जब कोई इन्हें छेड़े या इन पर हमला करे तो उसका जो ये हशर करती है, इसका आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। लिहाजा आपको भी चाहिए कि इन शहद की मक्खियों से सबक सीखें, इसी तरह मिलजुल कर रहें जिस तरह ये रहती हैं, और ऐसे काम करें कि जिनसे बहुत से लोग मुस्तफीद हों। हाफिज जी की मीठी मीठी बिल्कुल शहद जैसी बातें लड़कों को बेहद पसंद आई। उन्होंने ये अहद किया कि वो आइंदा आपस में नहीं लड़ेंगे, मिलजुल कर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। जब कोई दुश्मन वतन अजीज पर हमला आवर हुआ तो वो सब मिलकर अपने प्यारे पाकिस्तान का दिफा करेंगे और दुश्मन के साथ ऐसा ही सलूक करेंगे जैसा कि उनके साथ शहद की मक्खियों ने किया।